प्लस टू क्लास बेटे हमने लेसन शुरू किया हुआ है निम्न सत्र पर लोकतंत्र पंचायती राज। बेटा मैंने उस पहले भी बताया था, आज मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बेटे। संविधान के जो 73वें संशोधन द्वारा है ना बेटे, वो की गई है 1994 में जो 73 अमेंडमेंट हुई थी उसके द्वारा जो है बेटे पंजाब में त्रिसत्रीय पंचायती राज प्रणाली का मतलब संनिर्माण किया गया है। अब ये तीन सत्रीय ढांचा क्या है, मैंने उस दिन भी बच्चे आपको रिपीट किया था, आज फिर से कर रही हूँ। सबसे पहला है गांव स्तर पर जो है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। ग्राम सभा हमने कर ली थी बेटे, ग्राम सभा में गांव के हर वो आदमी औरत और आदमी जो है वो शामिल होते हैं बेटे, जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर होती है। आज हमने करना है ग्राम पंचायत। सेकंड है ब्लॉक स्तर पर होती है पंचायत समिति, और मध्यम स्तर पर है मतलब पंचायत समिति, और ऊपरी स्तर पर होती है जो जिला स्तर पर होती है उसे हम कहते हैं जिला परिषद। तीन सत्रीय ढांचा पूछा जाए आपसे तो सबसे देखो बच्चे, सबसे लो लेवल पे है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, सेंटर में आती है पंचायत समिति जिसे मध्यम स्तर की इकाई कहते हैं, और सबसे ऊपरी स्तर पर जो आती है अपर पर लेवल पे वो है जिला परिषद। ग्राम सभा क्या है बच्चे, से नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम सभा क्या है। ग्राम सभा पंचायती राज प्रणाली की आधारशिला होती है। जैसे मैंने अभी बताया कि पंचायत के क्षेत्र में आने वाले सभी वयस्क, वयस्क मतलब अडल्ट, जिनकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होते हैं और जिनके नाम मतदाता सूची में शामिल होते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, जिनका जो जो है ग्राम सभा का जो सभापति होता है वो होता है सरपंच, जो किसके द्वारा चुना जाता है बेटे, वो चुना जाता है ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा। ग्राम सभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके सभापति को पद से अलग भी कर सकती है, और ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठकें होनी जरूरी होती है, 2। ठीक है, पंजाब में ये बैठकें रबी और खरीफ की फसलों की कटाई के समय जो है वो बुलाई जाती हैं। इसका सभापति जो होता है वो ग्राम सभा की विशेष बैठक तभी बुला सकता है जब 1/5 सदस्य जो हैं उसके लिए प्रार्थना करते हैं, और इसकी गणपूर्ति मतलब ग्राम सभा की बैठक तभी हो सकती है जब उसमें 1/5 सदस्य शामिल हो। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने अभी बताया लो लेवल पे एक ग्राम सभा होती है, एक होती है ग्राम पंचायत। ग्राम सभा हमने पढ़ ली है, नेक्स्ट है ग्राम पंचायत की रचना लिखें। तो यही बार बार है पंजाब पंचायत राज्य एक्ट, अगर आपसे पूछा जाए पंजाब पंचायत राज्य एक्ट कब पास हुआ था तो 1994 में हुआ था, जिसमें साफ रूप से लिखा गया है कि पंजाब का हर एक गांव जिसकी जनसंख्या 200 से इससे अधिक है वो वहाँ पे ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई है। लेकिन बेटे जिन गांवों में जनसंख्या 200 से कम होती है ना, वहाँ 2 या 3 गांवों को इकट्ठा करके एक ग्राम पंचायत बना दी जाती है। अब है आगे क्वेश्चन कि पंजाब में जो ग्राम पंचायत होते हैं उसमें कितने पंच होते हैं, तो पंचों की संख्या कम से कम 5 हो सकती है और अधिक से अधिक 13 हो सकती है, और इनका चुनाव जो है ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है लेकिन गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। ठीक है बेटे, ये है। और इसके बाद बताया गया है कि अगर कार्य वर्ष किसी कारण की वजह से कार्यकाल पूरा होने से पहले ग्राम पंचायत को भंग कर दिया जाए तो 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा चुनाव करवाने जरूरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का सभापति कौन होता है, तो वो होता है सरपंच, और उसके कार्य क्या हैं। सबसे पहले जो है ग्राम सभा का जो सभापति है ना सरपंच, वो ग्राम पंचायत की बैठकें बुलाता है, ग्राम पंचायतों का रिकॉर्ड रखता है, ग्राम पंचायतों के वित्तीय और कार्यकारिणी प्रशासन के प्रति उत्तरदायी होता है, और इसके अलावा ऐसे वो सभी काम करता है जो पंचायत और राज्य सरकार द्वारा उसे करने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत के 3 कार्य लिखें। तो ग्राम पंचायतों को बहुत से काम दिए जाते हैं, जैसे सबसे पहले वार्षिक बजट तैयार करना, प्राकृतिक विपत्तियों के आने की अवस्था में पहुंचाने का काम करना, सामूहिक कार्य करना, और गांव में रहने वाले विभिन्न लोगों के बीच मेलजोल और सद्भावना उत्पन्न करना। ठीक है, सेकेंड है कृषि संबंधी कार्य, कृषि के विकास के लिए बंजर जमीनों का वो विकास करती है, हानिकारक और नए कीटों के नाश का प्रबंध करती है, कृषि के बढ़िया ढंगों का भी वो प्रबंध करती है, और थर्ड काम है उसका पशुपालन, मुर्गी पालन और डेयरी फार्मिंग।
वो पशुओं की नस्ल में सुधार करने, डेयरी फार्मिंग और सुअर पालन आदि को उत्साहित करने के लिए भी बेटा डिस्पेंसरियाँ, अस्पताल, बहुत सी चीज़ें खोलती हैं, आवारा पशुओं को इकट्ठा करने और उनका नाश करने का भी काम करती हैं। तो ये आज बेटे हमारे टॉपिक था ग्राम पंचायत की रचना, उसका सभापति के बारे में और उसके कार्यों के बारे में। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का टॉपिक ख़त्म हो गया बेटे। अब हमने पंचायत समिति कल शुरू करना है।